सुधीर ने गायत्री के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट करवाए थे। लगभग एक हफ्ते बाद टेस्ट के रिजल्ट आए। सुधीर रिपोर्ट्स लेकर गायत्री के वार्ड में गया। गायत्री लेटी हुई थी। सुधीर को देखकर वो मुश्किल से उठकर बैठी और मुस्कुराते हुए पूछा, चाचा टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है? गायत्री के चेहरे को देखकर सुधीर को बहुत दुख हुआ। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, रिजल्ट नेगेटिव है, बोन मैरो मैच नहीं हुआ। ये सुनते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसके सर पर मानो बिजली गिरी थी। वो बड़बड़ाने लगी, रिजल्ट नेगेटिव आया? ऐसा कैसे हो सकता है कि बोन मैरो मैच ही नहीं हुआ? सुधीर ने कहा, डॉक्टर बता रहे थे कि हम दोनों का एक ग्रुप अलग है और डीएनए से पता चल रहा है कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। ये सुनकर कुछ देर के लिए गायत्री का दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर अचानक से वो आसपास पड़ी चीजों को पागलों की तरह फेंकने लगी। इतना शोर सुनकर बाहर से दो तीन नर्स दौड़ती हुई अंदर आई और गायत्री को शांत करने लगी। सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पास में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद गायत्री मुश्किल से शांत हुई, तब जाकर नर्स बाहर चली गई। फिर एक बार वार्ड में खामोशी छा गई। काफी देर बाद गायत्री ने सुधीर से कहा, चाचा क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हो? मुझे अपनी माँ से पूछना है कि मेरा असली बाप कौन है। गायत्री का फीका चेहरा देखकर सुधीर को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और गायत्री को दिया। हालांकि उसे पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। गायत्री ने लता का नंबर डायल किया, पर सामने से उसे बस यही सुनने को मिला, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर वैध नहीं है। गायत्री ने गुस्से से फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन के टुकड़े हो गए थे, पर गायत्री को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो बहुत जल्द मरने वाली है। गायत्री की आंखों में जहर उतर आया। उसकी इस हालत के लिए अंतरा जिम्मेदार थी। उसने तय किया कि अगर वो मरने वाली है तो वो अंतरा को भी नहीं छोड़ेगी। गायत्री की ये रिपोर्ट आए 20 दिन बीत चुके थे। एक रोज जब मिस्टर शैडो ऑफिस में था, तब उसका फोन बजा। वो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। उसने चलते चलते ही फोन उठाया। सामने से एक कर्कश आवाज सुनाई थी, अंतरा मेरे कब्जे में है, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। जिस पते पर पैसे लेकर आने हैं वो मैं मैसेज कर रहा हूं। और हाँ, वो फिल्मों का डायलॉग याद रखना, अगर पुलिस को फोन किया तो अंतरा से तेरी सीधे अगले जन्म में मुलाकात होगी। इतना बोलने के बाद सामने वाले ने फोन काट दिया। उसने मिस्टर शैडो को कुछ बोलने या पूछने का भी मौका नहीं दिया। सुबह अंतरा ने कहा था कि वो उसके मामा से मिलने जाने वाली है। मिस्टर शैडो ने तुरंत अंतरा का नंबर डायल किया, पर उसने फोन उठाया ही नहीं। मिस्टर शैडो को पता था कि अंतरा उसका फोन ना उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी हथेली में पसीना आ गया। अंतरा को कौन किडनैप कर सकता है? मिस्टर शैडो ये सोच रहा था, तब उसके फोन का टेक्स्ट नोटिफिकेशन बजा। मिस्टर शैडो ने तुरंत मैसेज खोलकर देखा। उसमें किडनैपर ने एक एड्रेस भेजा था और साथ में फिर से वही चेतावनी थी, पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारी नाजुक बीवी का क्या हाल होगा ये तुम्हें पता ही है। मिस्टर शैडो के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे अपना फोन पटक कर तोड़ देने का मन कर रहा था। उसे बराबर याद था कि हाल फिलहाल में उसका या तो अंतरा का किसी के साथ कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई थी, तो कोई दुश्मनी निकालने के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह था कि जो भी किडनैपर है उसने सिर्फ पैसों के लिए ये काम किया था। पर अंतरा भी हमेशा सतर्क रहती थी, वो किडनैप हो कैसे गई? मिस्टर शैडो का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने कैबिन में जाकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। कैबिन के बाहर ही उसे डेविड मिला। बॉस आप कहां जा रहे हो? हमें मीटिंग में जाना था ना? मिस्टर शैडो को बाहर जाते देख वो भी उसके साथ साथ चलने लगा। मिस्टर शैडो ने उतावलेपन से कह दिया, अभी एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर डेविड दंग रह गया। वो पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, पर मिस्टर शैडो का फीका चेहरा देखकर उसने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। मिस्टर शैडो जल्दी से नीचे जाकर अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया।
वो सीधा सुधीर के घर गया। उसे देखकर सुधीर खुश हो गया। अरे दामाद जी, आइए आइए, बैठिए। हालांकि मिस्टर शैडो के पास बैठने का टाइम नहीं था। उसने सीधा मुद्दे का सवाल पूछा, मामा जी अंतरा घर पर नहीं है? इसके जवाब में सुधीर ने कहा, नहीं बेटा, वो यहां आई थी पर उसे कोई कॉल आया था, उसके बाद वो ये बोलकर निकल गई कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो का गंभीर चेहरा देखकर सुधीर ने पूछा, पर आप इतने परेशान क्यों हो? हालांकि मिस्टर शैडो ने सुधीर के सवाल का जवाब देने के बदले पूछा, आपको पता है अंतरा को किसका कॉल आया था? मेरा मतलब, उसने फोन पर बात करते हुए सामने वाले के नाम का जिक्र किया हो, ऐसा कुछ? ये सुनकर सुधीर अंतरा की बातें याद करने लगा और फिर बोला, वो कुछ ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रही थी, कह रही थी कि ब्लूप्रिंट में कुछ प्रॉब्लम है, और फिर बोल रही थी कि मुझे वहां आकर देखना पड़ेगा। वो लड़की जल्दबाजी में निकल गई थी, डिटेल में मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। अंतरा की बोली हुई बातें बताने के बाद सुधीर ने कहा, मैंने बस इतना ही सुना था बेटा। मिस्टर शैडो की बेचैनी देखकर सुधीर ने फिर पूछा, पर हुआ क्या है बेटा? मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं मामा जी, दरअसल मैं अंतरा को आज बाहर ले जाना चाहता था, मुझे लगा कि वो अब तक यहीं होगी। कोई नहीं, मैं उसे कॉल कर लूंगा। ये सुनकर सुधीर ने कहा, अच्छा अच्छा, पर आप खड़े क्यों हो? बैठो और चाय कॉफी क्या पियोगे ये बताओ, मैं बनाता हूँ। मिस्टर शैडो ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए कहा, नहीं मामा जी, अगली बार, अभी मुझे थोड़ा काम है। ये सुनने के बाद सुधीर ने भी मिस्टर शैडो को रुकने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। वहां से निकलने के बाद मिस्टर शैडो पर चिंता के बादल और घने हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा ब्लूप्रिंट के बारे में किसके साथ बात कर रही होगी और यहां से किस तरफ जा रही होगी। क्या अंतरा को रास्ते से किडनैप किया गया था? मिस्टर शैडो के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर डेविड को कॉल किया, अभी के अभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो और पता लगाओ कि अंतरा आज कहां गई थी और किससे मिली थी, और सबसे जरूरी बात, वो आखिरी बार कहां देखी गई थी। पर याद रहे कि पुलिस को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ये काम एकदम चुपचाप होना चाहिए। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने आगे कहा, और इसके साथ साथ बेंटले में 5 करोड़ रुपए का बैग तैयार रखो, मैं अभी ऑफिस पहुंच रहा हूं। ये सब सुनकर डेविड भी थोड़ा नर्वस हो गया। उसने कहा, ठीक है बॉस, पर हुआ क्या है? मिस्टर शैडो ने बताया कि किसी ने अंतरा को किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये सुनकर डेविड भी थोड़ा घबरा गया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, अगर उन लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए यह काम किया है तो वो अंतरा को कुछ नहीं करेंगे, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हो सके जल्दी काम करो। डेविड ने हामी भरी और फोन रखा। इस तरफ मिस्टर शैडो ने मुश्किल से खुद को शांत किया और ऑफिस की तरफ गाड़ी चलाई। उसे अंतरा की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे किडनैपर को पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे बस एक ही बात का डर था कि अगर अंतरा ने किडनैपर का चेहरा देख लिया होगा तो पैसे लेने के बाद भी वो अंतरा को नहीं छोड़ेगा, और ये मिस्टर शैडो हरगिज नहीं होने दे सकता था। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गया। जब उसने पार्किंग लॉट में जाकर अपनी गाड़ी पार्क की तब डेविड बेंटले के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने गाड़ी की सीट पर रखे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, पैसे तैयार हैं बॉस, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर आप कहो तो छोटा कैमरा या ट्रैकर खरीद कर इस गाड़ी में लगा देता हूं। मिस्टर शैडो ने अपना सरनामे हिलाया। उन लोगों ने अंतरा को किडनैप करने की हिम्मत की है, इसका ये मतलब है कि वो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने पहले ही पता लगा लिया होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूं और क्या क्या कर सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों की अभी मुझ पर नजर भी हो, अगर ऐसा कुछ किया तो अंतरा की जान को खतरा हो सकता है। ये कहने के बाद मिस्टर शैडो को अचानक से ख्याल आया और उसने डेविड को इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने तुम्हें जितना काम करने के लिए बोला है खुद मत करना, अपने आदमियों को भेजना, और हां, इस काम में अपना रेगुलर फोन नंबर इस्तेमाल मत करना, किसी और नंबर से सबको फोन करना।
डेविड को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मिस्टर शैडो गाड़ी में बैठा और वहां से रवाना हुआ। वो गाड़ी हवा की रफ्तार से चला रहा था। किडनैपर ने मुंबई शहर के बाहर अहमदाबाद हाईवे पर किसी जगह का एड्रेस दिया था जो कि मिस्टर शैडो के ऑफिस से काफी दूर था। मिस्टर शैडो को वहां जल्द से जल्द पहुंचना था। भले ही उसे अंतरा की बहुत फिक्र हो रही थी पर अभी होश और हौसला बनाए रखने का वक्त था। मिस्टर शैडो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अंतरा, हिम्मत रखना और मेरा इंतजार करना। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने गाड़ी में पड़ा हुआ एक एक्स्ट्रा फोन निकाला। फोन को ऑन किया तो पता चला कि उसमें सिम कार्ड पड़ा हुआ था। मिस्टर शैडो ने उस फोन से डेविड को एक मैसेज भेजा और उसके रिप्लाई का इंतजार करने लगा। डेविड का जवाब आए उसके पहले मिस्टर शैडो का खुद का फोन बजा। उसके फोन उठाते ही सामने से किडनैपर की आवाज सुनाई दी। आप तो बहुत स्ट्रांग हो मिस्टर जिंदल। इस बार किडनैपर की आवाज सुनकर मिस्टर शैडो को ऐसा लगा कि उसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया है, शायद इसलिए कि वो आदमी है या औरत ये पता ना चल पाए। किडनैपर ने कहा, मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मुझे 5 नहीं 10 करोड़ चाहिए, जल्दी से लेकर आओ। और शर्त वही है, अगर पुलिस को शामिल नहीं किया तो तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। इस बार मिस्टर शैडो ने भी कहा, मैं क्यों मान लूं कि तुमने अभी तक अंतरा को हाथ भी नहीं लगाया? मैंने अब तक अंतरा को देखा भी नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है कि अंतरा अभी तक जिंदा है? ये सुनकर किडनैपर को हंसी आ गई। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने की पोजीशन में हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अंतरा जिंदा रहे या नहीं इसकी बिल्कुल नहीं पड़ी। ये सुनने के बाद भी मिस्टर शैडो अपनी बात पर अड़ा रहा। लगता है तुमने किसी की पहली बार किडनैपिंग की है। तुम फिल्मों की बातें कर रहे थे ना, तुमने फिल्मों में देखा नहीं कि किडनैपर हमेशा सबूत भेजता है कि उसने जिसे किडनैप किया है वो सही सलामत है। तुम्हें पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे पर पहले मुझे सबूत चाहिए कि अंतरा ठीक है, वरना 10 करोड़ तो क्या, 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे।